Welcome back to my YouTube channel, My Passion Teaching. So today we are going to study chapter number 8. Name is, the title is, Who is heavier? Ki kaun zyada bhari hai? Who is heavier? Ki kaun bhari hai? Heavier ka matlab hota hai bhari. ठीक है, तो ये इस चैप्टर का नाम है और आप इसमें सीखोगे कि हम किस तरह से नाप तोल करते हैं, कौन सी चीज हैवी है, कौन सी चीज लाइट वेटेड है, तो वो हम सीखने जा रहे हैं. तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आती हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें. तो स्टार्ट करते हैं हम. गुर जैगरी एंड ग्राउंडनट्स. ठीक है, शबनम लव टू ईट जैगरी यानी कि गुड़ जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, गुड़ खाना उसे पसंद है. एंड ग्राउंडनट्स, और ग्राउंडनट किसे बोलते हैं हम, मूंगफली को. वन डे शी वाउट 1 kg ऑफ जैगरी एंड 1 kg ऑफ ग्राउंडनट. उसने एक दिन 1 kg जैगरी और 1 kg ग्राउंडनट खरीदा. ठीक है, यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज केजी. हम जो किलोग्राम है ना, इसको हम छोटे फॉर्म में लिखना, तो इस तरह से इसका के लेते किलो का और ग्राम का जी लेते और इसको हम केजी इस तरह से लिख देते हैं. आप सबको ये पता भी होगा. ठीक है, इसने गुड़ रखे हुए हैं और ये जो इसने मूंगफलियां रखी हुई हैं, जिसको हम इंग्लिश में गुड़ को हम जैगरी बोलते हैं और मूंगफली को हम ग्राउंडनट बोलते हैं. ओह द ग्राउंडनट लुक सो मच मोर देन द जैगरी. उसने बोला कि ओ, जब उसने दोनों 1 किलो लिए हैं, उसने दोनों चीजें, पर उसने बोला कि जो मूंगफली है वो ज्यादा बड़ी लग रही है. ठीक है, वो ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू जो गुड़ लिया उसने. ठीक है, आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन द वेट और डू दे जस्ट लुक मोर. अब आप मुझे ये बताओ कि वो सच में ही ऐसा है कि जो उसने मूंगफलियां ली हैं वो ज्यादा हैं और जो गुड़ है वो कम है? ऐसा नहीं है. उसने जब दोनों चीजें 1 किलो ली हुई हैं, 1 kg ली हैं, तो वो दोनों ही चीजें भार में अगर हम बात करें ना कि कौन सी भारी है, तो वो दोनों ही चीजें बराबर, जब 1 किलो उनका वजन है तो वो 1 किलो की ही होंगी. पर बात ये है कि वो देखने में बड़ी और छोटी क्यों लग रही है, क्योंकि जो मूंगफली उसके दाने छोटे छोटे होते हैं और एक दाना जो है उसका वेट बहुत ही कम होता है, तो इसलिए बहुत सारे दानों को इकट्ठा करके 1 किलो बनाना पड़ता है. और जो गुड़ होता है उसका एक ही जो पीस होते हैं उसका, वो बहुत बड़ा होता है और उसका भार बहुत ज्यादा, इसलिए तो 2-4 पीस मिलाकर ही 1 किलो बन जाते हैं. इसलिए वो देखने में हमें कम ज्यादा लगता है, पर अगर उसने दोनों चीजें 1-1 किलो ली हैं तो वो दोनों ही चीजें बराबर होंगी. ठीक है, अब आगे है, नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग. अब मुझे ये बताओ कि आपको इन दोनों में से, अगर आपने मूंगफली लेनी है और गुड़ लेना है, तो आप दोनों में से किसके लिए आपको बड़े बैग की जरूरत पड़ेगी. 1 kg यहाँ पे आपको कुछ और दिया है, 1 kg पॉपकॉर्न है और 1 kg शुगर है, कि आपने 1 किलो पॉपकॉर्न लेने हैं और 1 किलो आपने जो वो चीनी ली, तो आप किसके लिए बड़े बैग की जरूरत पड़ेगी. तो आपको पॉपकॉर्न के लिए जो है वो बड़े बैग की जरूरत पड़ेगी. ऐसा क्यों? कि पॉपकॉर्न जो है बहुत ही हल्के होते हैं. ठीक है, एक पॉपकॉर्न का पीस जो है वो बहुत हल्का होता है और आपको ऐसे बहुत सारे पॉपकॉर्न मिलाने पड़ेंगे, तब आपका जो वजन है वो 1 किलो होगा. जो चीनी होती है उसका जो छोटा सा दाना होता है पर वो ज्यादा भारी होता है. अगर आप थोड़े से दाने मिलाओ उसके तो भी उसका वेट जो है 1 kg हो जाएगा. तो आपको पॉपकॉर्न के लिए जो है वो बड़े बैग की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद मैंने बोला 1 kg पीस और 1 kg पोटैटो, कि 1 किलो आपने जब आलू लेने हैं और 1 किलो आपने मटर लेने, तो आपको किसके लिए ज्यादा बड़े बैग की जरूरत पड़ेगी. आपने कभी मार्केट गए होंगे तो आपने देखो कि जो मटर के दाने होते हैं, जो मटर होते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा बड़े बैग की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू पोटैटो, क्योंकि पोटैटो बहुत बड़ा होता है. एक ही पोटैटो का बहुत ज्यादा भार होता है, तो 2-4 पोटैटो मिलाएंगे तो 1 किलो हो जाएगा, तो वो थोड़ी सी जगह में आ जाएंगे. पर जो पीस होते हैं उनका भार जो है वो कम होता है, तो इसलिए बहुत सारे पीस मिला के हमें 1 kg करना पड़ता है, तो उसको ज्यादा जगह की जरूरत होती है. गो टू द मार्केट एंड चेक इफ योर गैस इज राइट. अब जो मैंने यहाँ पे बताई चीजें, अगर आपको चेक करना है कि मैंने सही बताई है गलत, तो उसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा. तो आजकल तो आप मार्केट जा नहीं सकते हो, पर आप घर में ये ट्राई कर सकते हो अगर आपके घर में ये सारा सामान है, कि आपको कौन सी चीज के लिए जो वो ज्यादा बड़े बैग की जरूरत है. ठीक है, अब नेक्स्ट है पंपकिन टोमेटो पंगा, कि जो कद्दू है और जो हमारे टमाटर है उनके बीच में हो गया पंगा, मतलब उनके बीच में हो गई लड़ाई. दिस इज द प्लेग्राउंड वेयर टमाटोज कम टू प्ले एवरी डे, कि ये जो है वो एक प्लेग्राउंड है जहां पे जो टमाटर है वो हर दिन खेलने के लिए आते हैं. ठीक है, फिर क्या हुआ, दे लव प्लेइंग ऑन द सीसा, कि उन्हें सीसा के ऊपर, ये जो झूला होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीसा. ठीक है, उनको इस झूले के ऊपर झूलने में बहुत मजा आता है. वन डे अ बिग पंपिन कम्स, कि एक दिन बड़ा सा कद्दू आया एंड सिट ऑन वन साइड ऑफ द सीसा, कि वो इस सीसा की एक तरफ को बैठ जाए. आपने भी देखा होगा झूले की एक तरफ एक बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा, फिर ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं. ठीक है,
व्हेन ही डज नॉट गेट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जब वो बहुत ज्यादा टाइम तक उठा नहीं ऊपर की तरफ को, द टोमेटो डिसाइड टू सिट ऑन द अदर साइड, और जो टोमेटो है उन्होंने सोचा कि वो दूसरी तरफ को बैठ जाते क्योंकि वो तो उठ नहीं रहा था, वो कैसे खेलते, एंड लिफ्ट द पंपकिन अप सो दैट ही फॉल्स ऑफ, उन्होंने सोचा कि वो एक तरफ को बैठ जाएंगे और फिर वो पंपकिन को जब ऊपर को उठा देंगे और फिर वो गिर जाएगा नीचे, ठीक है. द लिटिल टोमेटो स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड, कि वो जो छोटे छोटे जो टमाटर थे वो जो है वो चढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया एक तरफ को, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जो है वो 25 जो वे चढ़ गए. द पंपकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग, जो कद्दू था वो अभी भी बैठा हुआ था और अभी भी वो हंस रहा था. सो द बिग टमेटोज डिसाइड टू हेल्प, कि जो बिग टमेटो है उसने, जो बिग टमेटोज थे उन्होंने जो है वो हेल्प करने की, मदद करने का फैसला लिया. द लिटिल वन गेट डाउन, जो छोटे छोटे जो टमाटर थे वो नीचे आ गए. एंड मेक वे फॉर द फैट वन, कि जो मोटा सा जो टमाटर था उनके पास उसके लिए उन्होंने रास्ता बनाया. 1, 2, 3, 4 ऐसे 20. यह द पंपकिन इज अप इन द एयर, और फिर वो जब बहुत सारे हो गए एक तरफ को तो जो पंपकिन था वो उड़ गया आसमान में. एंड इट शाउट्स, वो जोर से चिल्लाया, ब्रिंग मी डाउन, बोले कि मुझे नीचे लेके आओ, ठीक है. ब्रिंग मी डाउन प्लीज, कि मुझे प्लीज जो है वो नीचे लेके आओ. फिर तो पंगा इज, तो इस तरह से उन्होंने उनका पंगा हुआ और उस तरह से उन्होंने उसको सबक किया क्योंकि वो उठ नहीं रहा था. हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पंपकिन अप, क्या आप सोचो कि कितने कर जो वो छोटे छोटे पंपकिन होंगे जो लगे होंगे, जो एक मतलब टमाटर लगे होंगे उस पंपकिन को उठाने के लिए. गैस लगाओ 10 लगे होंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी बोल रहे थे कि 25 तक चढ़ गए तब भी उनसे नहीं हो रहा था. 20 लगे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है 20, वो भी फैट मोटे मोटे से जो है वो 20 लगे थे, पर जब मोटे थे, जब छोटे छोटे से थे तो तब नहीं हुआ, तो लगभग 40, वो जितने ज्यादा टमाटर होंगे वही जो है वो उस कद्दू को ऊपर उठा पाएंगे, ठीक है. आगे है हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंपकिन, क्योंकि कितने आपको बड़े बड़े मैंगोज रखने पड़ेंगे कि वो बैलेंस हो, क्योंकि दोनों इस तरह से बराबर आ जाएं, तो आपको ऐसे कितने कर मैंगोज की जरूरत पड़ेगी. तो मैंगो जो है वो टमाटर से भारी होते हैं, तो लगभग अगर हम 15 कर, हम यहाँ लिख देंगे 15 मैंगोज, या आप बोलो 15 या फिर 16 मैंगोज के जब हम एक तरफ को रख देंगे तो पंपकिन और वो जो दोनों बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है. अब आगे बोला नाउ गेस हाउ मेनी पंपकिन कैन बैलेंस यू ऑन द सीसा, कि एक तरफ को आप बैठे हो एक तरफ को हमने पंपकिन रखी, तो आप बताओ मुझे कि कितने पंपकिन जो हैं वो दूसरी तरफ को रखें कि आप बैलेंस हो. तो वो लगभग अगर 1-1 किलो के पंपकिन हैं और आप जो है वो आपका वजन 1-1 या 2-2 किलो के हैं और आपका वजन 20 kg है, ये तो आप 10 कर रखोगे वहां पे तो वो 20 हो जाएंगे, यानी कि 10 के पंपकिन, तो 5 तो बड़े बड़े होते हैं पंपकिन, 2-2, 3-3 kg के होते हैं उस तरह से, तो 5 या 6 पंपकिन के अंदर एक तरफ को रखेंगे और दूसरी तरफ को आप बैठोगे तो आप ऊपर उठ जाओगे, ठीक है. नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वे ऑलमोस्ट द सेम एज यू, कि वे का मतलब है कि आपने ऐसे यहाँ पे बोला कि क्लासमेट्स के नाम बताने हैं जो आपको लगता है कि उनका वजन ऑलमोस्ट द सेम एज यू, कि जितना अगर आपका उतना की वजन आपके फ्रेंड का है. मोर देन यू, जिसका वजन आपसे ज्यादा है. लेस देन यू, कि जिसका वजन आपसे कम है. तो आपको पता होगा कि आपके क्लास में कौन आपको लगता है कि जिसका वजन आपके वजन जैसे जितना होगा, तो आपने यहाँ पे नाम लिखना है अपने उस फ्रेंड का, अपने उस क्लासमेट का. जिसका आपको लगता है कि वजन ज्यादा है आपने उसका नाम यहाँ पे लिखना है, और जिसका आपको लगता है कि उसका वजन आपसे भी कम होगा उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है. अब आगे है हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, कि आप अपने बाजू को बिल्कुल ऐसे सीधा रखोगे, ठीक है, और आप कितनी बुक्स को जो है वो उठा सकते हो अपने एक हाथ के ऊपर, ठीक है. तो वो आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर लोगे, अपने हाथ में बुक्स उठाना शुरू करना है, जितनी बुक्स आपके हाथ में उतनी आपने बुक लिख देनी है कि आप इतनी बुक्स उठा सकते हो अपने एक हाथ में, ठीक है. फिर आगे है डबल हर बेट, जो कुंजामाज पेरेंट्स जो थे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग, जो कुंजामा के जो पेरेंट्स, ये छोटा सा बच्चा है कुंजामा और ये उसके जो है वो पेरेंट्स जो हैं, ठीक है. कुंजामाज पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, कि उनका स्वतंत्रता दिवस मनाने का कुछ अलग सा तरीका है जो कुंजामा के जो माता पिता हैं. बिकॉज कुंजामा वॉज बॉर्न दैट डे, क्योंकि कुंजामा जो था ये लड़का वो इंडिपेंडेंस डे को, कब हुआ हमारा देश आजाद, 15 अगस्त, उस दिन वो पैदा हुआ है. दे बाय स्वीट्स डबल ऑफ कुंजामाज वेट, कि वो जो है वो मिठाइयां खरीदते हैं जो कुंजामा का वेट है उससे डबल, ठीक है. एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग पुअर पीपल, और जो गरीब लोग होते हैं वो उनमें उनको बांट देते हैं, ठीक है.
वेन कुंजामा वॉज बोर्न, कि जब कुंजामा पैदा हुआ था, ही वॉज 3 kg, तब वो 3 किलो का था। टूडे इज इंडिपेंडेंट डे, और आज है वो इंडिपेंडेंस डे है। एंड कुंजामा इज 5 years old, और अब वो कुंजामा जो है वो 5 साल का है, और शी इज 28 kg, अभी वो 28 किलो का हो चुका है। जब वो पैदा हुआ था तब वो 3 किलो का था, जब छोटे बच्चे तो वो छोटा ही कम वेट होता है उनका, और अब वो 5 साल का हो गया, अभी उसका जो वेट है वो 28 किलो का है। नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। तो अब सोचो कि उसके पेरेंट्स जो है वो कितना जो स्वीट है वो बेचते होंगे, और उसका जो वेट होगा वो कितने होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुंजामाज एज एट बर्थ वो 3 किलो का था, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ स्वीट कितना बोला है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जितना उसके भार था उससे दुगना जो था वो स्वीट बेचे। अगर उसका भार 3 किलो है तो 3 किलो का दुगना कितना होगा, 3 में 3 और प्लस कर दो तो कितना होगा, 3 में 3 और प्लस कर दो कितना हो गया हमारे पास 6, ठीक है। तो 6 किलो जो है वो उसका अमाउंट था, ठीक है। उसके बाद हुआ 1 year old, कि जब वो 1 साल का था तो उसका वेट जो था वो 9 किलो का था वो, ठीक है। अब 9 किलो का था तो उसको वो कितनी मिठाइयां बेचेगा, 9 में 9 और प्लस कर दो, क्योंकि 9 है तो वो दुगनी बेचेगा, तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना होता है 18 kg, प्लस करना है आप सबने अपने फिंगर के ऊपर। 9 कहाँ हुए, यहाँ हुए, 9 के आगे और 9 काउंट करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, और इन सबको प्लस करो कितना हो गया ये 18। फिर है 2 years old, जब वो 2 साल का था। अब यहाँ पे आपको वेट दे दिया, आपको बता दिया कि मिठाई कितनी बांटी है, तो अब आप बताओ कि उसकी उम्र कितनी होगी। मिठाई उतनी बांटी होगी जितना उसका वजन होगा उससे दुगनी, तो 26 किलो बांटी है, तो 26 का हाफ कितना होगा, यहाँ पे 13 प्लस 13 किया, मतलब कि उसका जो वेट होगा वो 13 किलो होगा ना, ठीक है। क्योंकि तभी 13 में जब आप 13 प्लस करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। चाहे आप प्लस करके चेक कर सकते हो ना, 13 में 13 प्लस करो, 3 प्लस 3 कितने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 1 प्लस 1 2 26 हो गए, मतलब कि उसका वेट जो है वो 13 किलो था जब वो 2 साल का था। जब वो 3 साल का था दूसरा वेट कितना हो गया, 17 किलो हो गया। तो मिठाई कितनी बेचेगा वो, 17 प्लस 17, उससे दुगनी बेचेगा, मतलब देगा गरीब लोगों में। तो कितना हो गया, 17 में 17 प्लस करो, 17 प्लस 17, 7 7 कितने होते हैं, 7 में 7 प्लस करो, ठीक है। यहाँ पे या चाहे लाइन लगा के कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए, 4 इसके नीचे, 1 के नीचे 1, और एक जो 1 है वहां पे चल जाएगा टेंस के पास, कैरी हो चलेगी, 1 2 3 34 हो गया। तो कितना बेचेगा, 34 kg मिठाई देगा वो। उसके बाद है 4 years old, जब वो 4 साल का था तो कितनी उसकी उम्र होगी। अब आपने ये जो है वो गैस लगाना है कि उसकी एज कितनी हो सकती है, जैसे 9 थी, फिर 13 थी, फिर 17 थी, अब 28 है, तो अब वो उसकी उम्र जो होगी वो 28 से तो कम ही होगी और 17 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि वो 3 साल के उम्र में वो 17 किलो का था, ठीक है। तो आप इसमें कितने प्लस कर दो, यहाँ जैसे यहाँ पे 9 थे, 9 में 5 प्लस किए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे 13 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 17 हो गए, फिर 4 प्लस करके, यहाँ पे भी आप 4 प्लस कर लो, चाहे 5 प्लस कर लो, चाहे मान लो कि आपने 4 प्लस किए, तो यहाँ पे आगे आपका आंसर 21 kg का है वो, मान लो कि 21 kg का। तो 21 प्लस 21 करेंगे तो उतने किलो जो है वो मिठाई बांटेगा, तो 21 में 21 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 kg। फिर जब 5 साल का था तो वो 28 किलो हो गया, तो 28 जमा 28 करो कितना होगा, 8 प्लस 8 कितने होते हैं 16, 1 कैरी 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5, तो 56 किलो जो है वो मिठाई बेचेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2 year old और 4 year old चाइल्ड कुड वेट। आप अपने ऐसा पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि जो 2 साल का और जो 4 साल का बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है अपने पेरेंट्स से पूछने के बाद। उसके बाद है यम यम राइस, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, उसके आगे हम यम यम राइस पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर पाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।